हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज विकास लाइफ केयर लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूँ एक झकास अपडेट न्यूज के साथ में, जो कि इस शेयर में चार चांद लगा दे, बट अभी तक इस शेयर में कुछ वैसा देखने को नहीं मिला है। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका कि शेयर प्राइस आज भी घटा है और घट करके 5.22 रुपया पे आ चुका है, तो ऐसे टाइम में ज़्यादातर नए नए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जब शेयर प्राइस डाउन हो और ये या डाउन हो रहा हो, तो जबकि ऐसे ही टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करना चाहिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इस शेयर का बुक वैल्यू 3.02 रुपया है, स्टॉक पी 48 का है, ROC 5.86 और ROE 4.46 का है और मार्केट कैप मात्र 887 करोड़ का है। ये स्टॉक मार्केट में उभरता हुआ शेयर माना जाएगा, यानी कि प्रगति की ओर अग्रसारित शेयर मेरे आइडिया अनुसार। हाँ तो दोस्तों, वन ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका मोमेंट 5 रुपये की तरफ हो रही है, मगर हो सकता है ये 5 रुपये का टच कर जाए या उससे नीचे भी आए, लेकिन फिर से इसमें अप ट्रेंड बनेगी, क्योंकि ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस शेयर का जो रिजल्ट आने वाला है Q1 का, वो पॉजिटिव आएगा। हाँ तो दोस्तों, जिस न्यूज का इंतज़ार था मुझे, वो न्यूज आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, 8 जुलाई 2024 का न्यूज है। इस न्यूज का सब्जेक्ट है 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड डिपोजिटरी और प्रतिभागी विनियम 2018 के विनियम 74.5 के तहत प्रमाण पत्र। यह प्रमाणित किया जाता है कि सेबी डिपोजिटरी और पार्टिसिपेंट्स विनियम 2018 के विनियमन 74.5 के तहत आवश्यक उपरोक्त अवधि के दौरान डीमटेरियलाइज्ड और रीमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों का विवरण उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है जहां विकास लाइफ केयर के शेयर है, यानी कि जहां जहां पर इस कंपनी को लिस्टेड किया गया है, जैसे BSE, NSE, जहाँ पर भी इसको लिस्ट किया गया है वहाँ पर इस सभी का विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है। इसी का दूसरा पेज है जो कि आप देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ने का और समझने का कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्या है क्या नहीं। हम इस शेयर को ऐसा कह सकते हैं, इस कंपनी को, कि उभरता हुआ रिजर्व, उभरता हुआ बिजनेस, चले तो चांद तक, इसके अलावे और कुछ नहीं कह सकता। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।